So students, a very good morning to all of you. Now I'm present here to record new video of chapter 7, more on MS Paint. As I have read one or two paragraphs in my first video, now I am going to be continued. So all of you have to go through this video, read aloud, and wherever you feel any problem, so share with me. Okay, so let's start. Eraser tool. The eraser tool is used to erase any part of a picture. Students, as you know beta, if you make any mistakes or if you want to erase any of the part of the picture, so you have to use this eraser tool, which you will get from here, okay, from tools group. Select the eraser tool from the tools group. यहाँ आपको tools group से eraser tool select करना है. Choose the size of the eraser by clicking on the desired option in the size button menu. Okay, so students, you have, if you want to increase or decrease the size of your eraser, so you can do the same by using this size option, and size option you will get here. As you can see, I am showing you that, students, this is here, and after clicking on it you will get some of the sizes of your eraser, so you can do the same. Now a square will appear in the drawing area. After selecting eraser tool, you will get this square shape in the drawing area. Hold down the left mouse button and move it on the area that you want to erase. आपको जब ये मिल जाएगा ना बेटा, उसके बाद आप लोगों को माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके अपने ड्राइंग एरिया में मूव कराना है, या फिर ड्राइंग एरिया में उस तरह वहाँ पर मूव कराना है जिस पिक्चर के जिस पार्ट को आप इरेज करना चाहते हैं. वेर यू वॉन्ट टू इरेज अ पिक्चर और पिक्चर्स पार्ट, देन देर यू हैव टू मूव, यू हैव टू ड्रैग योर माउस बाय होल्डिंग left mouse button. Okay, now I'm moving to next point, and the next point is brush tool. Yes students, after eraser I am going to explain brush tool. Brush tool is used to draw objects with different kinds of brushes. Okay, ब्रश टूल का यूज़ हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में या फिर कलर वगैरह करने में भी यूज़ करते हैं. तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस मिल जाएंगे. यू विल गेट हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस टू यूज़ इट. व्हाट यू हैव टू डू बेटा इन ऑर्डर टू यूज़ इट, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, लेट्स रीड. क्लिक ऑन द ब्रशेस ड्रॉप डाउन एरो. यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है. सेलेक्ट एनी ब्रश टाइप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस. यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, सो मेनी ऑप्शंस आर गिवन हियर बेटा, विच यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर ओनली. नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप. आफ्टर सेलेक्टिंग द ब्रश यू हैव टू गो टू चूज कलर. ओके, फ्रॉम कलर ग्रुप, कलर बॉक्स से आपको कलर लेना है. Move the pointer to the drawing area. After choosing color, you have to move your mouse pointer to the drawing area. Drawing area में आपके अपने mouse pointer को move कराना है. Okay? Press and hold down the left mouse button and drag the mouse to draw different lines. यानी आपको mouse का left button hold करके फिर आपको ये drawing area में माउस को ड्रैग करना है. और ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बने हुए हैं ना, सो मेनी लाइंस आर मेड हियर, ड्रॉन हियर, सो यू हैव टू डू द सेम. ओके, आफ्टर चूजिंग ब्रश ऑप्शन एंड आफ्टर चूजिंग कलर एज पर योर डिजायर. ओके, नाउ बेटा आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 65. ओके, पेज नंबर 65 एंड नेक्स्ट टूल इज यूजिंग ब्रश, एयर ब्रश टूल. ओके, यूजिंग एयर ब्रश टूल. अब हम लोग एयर ब्रश टूल का यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे. एयर ब्रश टूल इज यूज्ड
टू स्प्रे कलर ऑन द ड्रॉइंग एरिया, यानी एयरब्रश टूल का यूज़ हम लोग ड्रॉइंग एरिया में स्प्रे करने के लिए करते हैं. बेटा यू मस्ट नो दैट हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है ये आपको देखना है. देखिए बेटा ये है आपका एयरब्रश टूल, इसको स्प्रे ब्रश भी कह सकते हैं. सो दिस इज एयरब्रश टूल. सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप. आफ्टर टेकिंग दिस वन और आफ्टर चूजिंग दिस वन यू हैव टू गो टू कलर बॉक्स एंड चूज कलर एज पर योर चॉइस. क्लिक ऑन द ब्रशेस ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द एयरब्रश ऑप्शन. यू हैव टू क्लिक ओवर हियर ड्रॉप डाउन एरो एंड देन यू विल गेट सो मैनी ब्रशेस फ्रॉम हियर. बेटा नाउ यू हैव टू गो टू चूज दिस एयरब्रश टू. ओके, सेलेक्ट द डिजायर्ड स्प्रे साइज एंड द साइज फ्रॉम द साइज बटन. आफ्टर चूजिंग दिस वन इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ योर एयरब्रश सो यू हैव टू गो टू साइज ऑप्शन एंड एज पर योर चॉइस और एज पर योर नीड यू कैन चूज योर साइज फ्रॉम हियर ओनली. एंड नेक्स्ट पॉइंट, मूव द माउस पॉइंटर ऑन टू द ड्रॉइंग एरिया एंड आफ्टर चूजिंग स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू मूव योर माउस पॉइंटर हियर टू द ड्रॉइंग एरिया, ऑन टू द ड्रॉइंग एरिया. बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट यू हैव टू होल्ड डाउन योर लेफ्ट माउस बटन. क्लिक द माउस बटन ऑन द एरिया वेर यू वॉन्ट टू स्प्रे द कलर. उस जगह पर आपको माउस बटन प्रेस करना है या मूव कराना है जहाँ पर आप कलर स्प्रे करना चाहते हैं. सो स्टूडेंट दिस वॉज द यूज of the airbrush tool. Now one tip is given here, in the same manner you can make use of other brushes. Yani aise hi as you have used this airbrush tool, in the same way ekdam usi tarike se aap dusre bhi brushes ka use kar sakte hain. Now next point, saving the drawing. It is important to save your drawing, your work at short intervals. अगर आपने थोड़ा सा कुछ बना लिया है ना, स्टार्ट कर लिया ना, फिर उसके बाद ज़रूरी है कि आप अपना ड्रॉइंग या अपना वर्क जो भी किया है आपने उसको सेव कर लीजिए सो दैट यू डू नॉट लूज इट इन केस ऑफ पावर फेल्योर. अगर पावर फेल्योर हो जाता है ना, फेल हो जाता है, तो आपका जो ड्राइंग है या आपका जो फाइल है वो आप नहीं खो पाएंगे. वो आपका इट विल बी विद यू ओनली इन द कंप्यूटर इटसेल्फ. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू टू सेव योर फाइल. सो सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन हियर और सम ऑफ द स्टेप्स आर गिवन हियर व्हिच यू हैव टू फॉलो. यस, फर्स्ट क्लिक ऑन द पेंट बटन. आपको क्या करना है बच्चा, पेंट बटन पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन. आपको ये सेव ऑप्शन सेलेक्ट करना है. द सेव एज विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. सेव विंडो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा. टाइप अ नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. यहाँ पे आपको फाइल नेम पे यहाँ आपको अपना जो भी नेम देना हो फाइल नेम आप दे सकते हो. क्लिक ऑन द सेव बटन. नाउ योर ड्रॉइंग इज सेव्ड इन द कंप्यूटर. यहाँ पे आप अपना नेम देके बेटा सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ड्रॉइंग जो है वो सेव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजिंग पेंट विंडो एंड दिस पॉइंट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स. टिल देन यू हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट ऑन योर ओन बेटा. सो टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.